So after attending the desert festival, we went to have lunch. Then we came to the hostel, quickly changed, and now we're going for the meetup. It's the backpackers meetup. This is my first ever meetup, by the way. Pretty excited. Like a bird on a tree. I'm just sitting. Hi guys, welcome to Gadisar Lake in Jaisalmer. This is one of the most famous tourist places in Jaisalmer. Kyunki ye bahut hi zyada purana hai. Artificial lake hai and it has been built as a water reservoir kyunki desert hai aur desert mein pani ka bahut problem hota hai. So yahan ke logon ki pareshaniyon ko khatam karne ke liye first maharaja aur guest of Jaisalmer ne ye artificial lake banwaya tha. No doubt lakes are always beautiful. They are always, you know, peaceful basically. You feel bliss when you sit there like for hours. Generally we don't sit for hours, but yes, they are very, very peaceful. You sit here, you watch the water, the ducks. People come here for boating, for photography. The nazara is very, very beautiful, as you all can see. And tribal fishing. So I love Rajasthan. I follow BATI through Alice Goodman and Bill Bear, who, yeah, it's my first meet up. And yeah, happy to be part of it. Nice meeting you. Where did you learn Katak? I learned Katak in Rishikesh. In India. गाडिसर लेक से अब हम जा रहे हैं डेजर्ट की तरफ और आज हम अपनी रात डेजर्ट में ही बिताने वाले हैं अंडर द स्टार्स. This is beautiful, guys. You guys must come here to experience it at least once. At least once, I would say. Thank you.
So guys, ये है हमारा किचन फॉर टुडे एंड टुनाइट. बेसिकली ये है सलीम जो यहाँ पे हमारे लिए चाय बना रहा है एंड देन पता नहीं और क्या क्या बना के हमें देगा. यहाँ पे हमारा बहुत सारा राशन आया हुआ है जो हम कैमल्स के ऊपर लेकर आए हैं. एंड कैमल्स के ऊपर बेसिकली पानी के बॉटल्स आए थे. ये दिलबर है. सो अगर आप कभी भी आपका प्लान हो जैसलमेर जाने का, इनके हॉस्टल में रुकना. दिलबर का हॉस्टल है ओजाकी के नाम से. चाय बहुत अच्छी बनी है यहाँ पे एंड देन अब वो यहाँ पे पापड़ तलेगा और शायद हमें कल सुबह मैगी खाने को मिल जाएगी. लेट्स सी और हमको क्या मिलता है यहाँ पे. दिस इज माय चाय. समसान ड्यून्स की चाय स्टील के ग्लास में मिलती है. अब क्योंकि सनसेट हो चुका है तो यहाँ पे ठंडी बढ़ गई है. गाइस ये हमारा किचन है रात का. देख लो खुले में बहुत ही बढ़िया किचन बना हुआ है. मतलब अमेजिंग और अमेजिंग वाला फीलिंग है. ये एक टेंट लगाया है. लेट्स सी हु इज गोना स्लीप इन दिस टेंट. हाँ जी अच्छा ठीक है. मैं एक बार ही पहले ये देखूँ. ये बना रहा है रोटी. इसने बना रही है सब्जी. सब्जी कहाँ है दिखाना. सब्जी कहाँ है. सब्जी भी बना चुका है और राइस भी बना चुका है. यार ये लड़का बहुत तेज है. और अभी ये रोटी बना रहा है. इसने आटा भी मल लिया यार. इधर मुँह कर ना. तेरा पूरा चेहरा तो नहीं आ रहा पर हाँ, थोड़ा सा तो आ ही रहा है. सब मेहनत के लिए सब होता है दीदी. हाँ मेहनत नहीं करते तो कौन आता है यहाँ पे. मेहनत करते तो हमारा गुजारा. तो आप कितने साल के हो. अभी मैं जब वो दीदी आई जब 15 का था अभी 17 का. तो आप स्कूल जाते हो. स्कूल नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हो. वैसे भी नहीं जाते हैं. वैसे भी मतलब कैमल ही चला हमारे घर में कमाने वाला मैं. अच्छा हाँ ये भी है. This is the dinner, mixed veg rice and chapati. Super super yummy and spicy. Hi, good morning guys. Welcome to the vlog. It's sunrise now. सुबह हो गई है. हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं. जलीम ने हमारे लिए बनाया है दलिया मैगी और चाय और साथ में ब्रेड. हाँ धीरे धीरे बात करो. लड़ाई हो गई है. लड़ाई हो रही है यहाँ पे. सो हम लोग सुबह उठे हैं. बहुत ठंड है यहाँ पे. जैकेट्स डाले हुए हैं. रात को भी बहुत ठंड थी. सैंड सुपर सुपर ठंडी थी. बट दे हैव सो मेनी बेड्स एंड रजाई यू नो यहाँ पे लेने के लिए. सो जितनी चाहिए उतनी ले लो. वी हैड टू कैंप्स हियर. तो जिसको कैंप में सोना था वो कैंप में सोया. जिसको मंजे पे सोना था वो मंजे पे सोया. एंड ठंड तो बहुत थी नो डाउट. बट देन वी इन्जॉयड आवर सेल्व्स. वी डांस्ड एट द नाइट. सलीम है. सलीम ने हमारे लिए रात को खाना बनाया है यहाँ पे. इट वॉज यम्मी. मतलब चूल्हे पे बना हुआ खाना था. बहुत मज़ा आया यार. दिस इज़ द लाइफ आई हैव नेवर एवर लिव्ड एंड आई एम जस्ट फीलिंग वाओ एंड हैप्पी अबाउट इट दैट एटलीस्ट आई एंजॉयड इट. सलीम इधर आ. इधर आ. सो ये है सलीम. सलीम चेहरा तो दिखा अपना. सो ये है सलीम. सलीम ने हम लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनाया. बिस्तरों का इंतजाम किया. पूरे बिस्तरे लगाए इसने. ब्रेकफास्ट बनाया. रात को लेट सोया. सुबह जल्दी उठा. सारा काम किया. बर्तन वर्तन धोए. सलीम चेहरा नहीं आ रहा तेरा. कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए सलीम. दो साल. भाग क्यों रहा है. भाग क्यों रहा है. सलीम काम कर रहा है. अभी बिजी है. बिजी इज वेरी बिजी राइट नाउ. सो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे बिकॉज वी हैव टू गो. कुलदरा जाना है. सो हैविंग अ ब्रेकफास्ट. आई विल शो यू द ब्रेकफास्ट. ये मैंने चार्ज में मेरा लिया है.
The breakfast we're having, it's tea, Maggi and millet. No, it's not millet, it's porridge actually. Dalia hai ye. That you can see sun rising. Bahut hi khoobsurat scene hai yaar. I think everybody should come here and stay here and not in the Swiss tents, I would say, because wahan pe bhi reh sakte ho, but then you won't enjoy the night. Because wahan pe to aap tents mein hi rahoge, like you live in a room or somewhere. So I think this is something, one of the best experiences of my life, I would say.